आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की बर्फी। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे, उसके लिए हमने लिया है देसी घी। देसी घी को मेल्ट होने देंगे। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। एक कोली मैंने घी लिया है और एक ही कोली मैंने बेसन लिया है, मोटा बेसन। अब इसमें मैं ये डाल दूंगी और इसको लगातार चलाते रहना है। इसको भूनना है अच्छे से, हमें गोल्डन ब्राउन कलर करना है। इसको लगातार मिक्स करते रहेंगे ताकि नीचे लग के जल ना जाए। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है इस वक्त। बेसन हमारा बिल्कुल भून चुका है, गोल्डन हो गया हुआ है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। इसमें मैंने बादाम डाले हैं कटे हुए और किशमिश डाली है, और मैं इसमें वाइट तिल भी डाल दूंगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने गैस बंद कर दिया, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फटाफट से इसमें डालेंगे चीनी का बुरादा। इसको भी मिक्स कर लेंगे, तो गैस बंद करके मिक्स करूंगी मैं इसको। ये हमारा बिल्कुल रेडी है बेसन। अब इसको मैं इस प्लेट में डालूंगी सब। ये देखिए हमारा बेसन डल चुका है। इसको मैं बिल्कुल प्लेन कर लूँगी, पतला फैला लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं इसको बर्फी के पीसेस में कट कर लूँगी। इसके ऊपर मैं तिल भी डाल दूँगी और